जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी क्लास साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से। तो पहले है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ध्यान से आप सबने सुना है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो है अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, पेपर में हमें ना ये ही जो बेसिक्स है वो दोनों हमारे चैप्टरों को कवर भी कर देते हैं। और साथ में अगर हमने ढंग से सुने होंगे तो हम आंखों से इन क्वेश्चंस को करने के लायक भी हो जाते हैं। अगर सुनेंगे नहीं, इसका बेस ही पता नहीं लगेगा तो कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब साधारण और ये आ गया आपका चक्रवृद्धि। तो दोनों में हमने ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनिएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस क्या होता है, मान लेते हैं ये कौन है, कौन है और ये है। ध्यान से सुन बात, मोहन ने क्या किया, मोहन ने 1000 रुपया लिया अपनी जेब से, कैसे लिया 1000 रुपया लिया और बैंक में जमा करा। और मोहन ने पैसे से जब जब जमा करवाने गया, बोला भैया इसकी तो फिक्स डिपॉजिट कर दो यानी कि एफडी कर दो। बैंक वालों ने क्या किया, बोला ठीक है भैया हम फिक्स डिपॉजिट करेंगे, हम 3 साल कितने साल के लिए करानी, तो बोला 3 साल। किसने कहा, इस बंदे ने कहा 3 साल के लिए जो है एफडी कराया ये। और बैंक वालों ने क्या कहा कि ब्याज हम इसको 10% परसेंट ब्याज देंगे, 10% देंगे। अब बैंक वालों ने क्या किया, 3 साल के बाद उसको पैसा देंगे, कौन देगा, बैंक ही देगा पैसा। भैया पैसा को किसने लिया है, 1000 रुपया किसने लिया, बैंक ने लिया, 3 साल के लिए लिया, कितना ब्याज देने की बात की है उन्होंने, 10% वादा किया है। क्या मैं तेरा जो 1000 रख रहा हूं को 10% से बढ़ा कर दूंगा तेरे को, ठीक है, तो इसमें क्या क्या देगा, वो मेरा पैसा देगा यानी कि धन। मूलधन कौन होता है, जो हम शुरू में पैसा जमा करते, याद रख लेना मेरी बात को, मूलधन कौन होता है, मूलधन इसमें हमारी टर्म्स होती हैं दोनों की ना, कॉमन ही टर्म्स होती है मूलधन। मूलधन मतलब प्रिंसिपल, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं भैया, ये स्टार्टिंग वाला पैसा जो हम शुरू में पैसा जमा करते तो मूलधन कहते हैं, तो वो हमारा मूलधन बन जाता है। और जब हमें बैंक वाला पैसा वापस देता है, जैसे ये मिल रहा है कि मूलधन के साथ जो है वो SI एक्स्ट्रा पैसा देगा, एक्स्ट्रा पैसा जो होता है वो होता है ब्याज। इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो सकता है, किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट हो सकता है, मगर जो एक्स्ट्रा पैसा मूलधन के साथ जोड़ कर देगा उसको क्या बोलेंगे हम, इशर, क्या बोलेंगे, इशर। तो अभी तक की जो मैंने टोटल कैलकुलेशन में आपको क्या क्या पढ़ाया, अभी तक मैंने ये पढ़ाया आपको कि जो लड़के ने पैसे जमा करवाए थे, स्टार्टिंग पैसे को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, जो कि पैसा जमा करवाते हैं। उसमें पैसे जमा करवाने में क्या क्या प्रोसेस लिया, उसने पैसा जमा कराया तो किसी दर पर करवाया यानी कि रेट पर कराया बच्चों, जैसे कि 10% है उसका रेट, उसने टाइम भी लिया, समय भी लिया बैंक वालों ने, भाई मुझे टाइम दे ऐसे मत फालतू में बोल,
पैसा जो है मैं तेरे को हाथों हाथ ही दे दूंगा, एक तरफ से 1,000 पकड़ा और एक दूसरी साइड से 1,300 रुपया हाथ में दे देगा। ऐसे कैसे दे दूंगा 1,300 रुपया? 3 साल इंतजार तो करो। क्यों जी? 3 साल तो इंतजार करना ही पड़ेगा जी, फिर उसके बाद क्या मिलेगा उसको? साल के बाद अमाउंट ले जा भाई, अपना पैसा जो तूने फिक्स करवाया था या मेरे पास दिया था उसको हम अमाउंट बोलेंगे धन। अब बच्चों को खास क्या याद रखने वाली चीज है, कई बच्चे टेंशन में बैठ जाते हैं सर हमें फिर नहीं समझ आए, वो एक ही चीज बोलते हैं हमें फिर नहीं समझ आया। तो मैं बोलता हूँ ब्याज वो चीज है जो हमने पैसा जमा कराया और जो हमें मिला, दोनों का जो अंतर होता है वो हमारा ब्याज है, एक्स्ट्रा ब्याज होता है। मैंने अपना पैसा जो है कितना करवाया, 1,000 कराया, बैंक वालों ने मेरे को मान लो 1,300 दिया, तो अमाउंट हुआ ना वो अमाउंट 1,300 ज्यादा हुआ माइनस प्रिंसिपल। अब मान कर मैंने जो 1,300 तो 1,000 माइनस किया तो ब्याज कितना मिला, एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला? 300 रुपया। कितना मिला जी? 300 रुपया। तो 300 रुपया मेरा फायदा हो गया जी। हम बोल सकते हैं जी मेरे को पहले पैसा जमा करवाया था बैंक में, ये जो है 300 रुपया लाभ हो। अगर आप उल्टा बोलो कि 1,000 दिया था तो वैसे वो तो घाटा हो जाना बंदे को। अगर हम जब भी लाभ हानि वाले चैप्टर पढ़ते हैं तब हम मतलब फायदा या घाटा देंगे, और जब आप ये बोले सर नहीं साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में भी घाटा हो सकता है, वो अलग केसेस, अलग केस होते हैं, बैड डेट्स लगते हैं, एक्सपेंडिचर। ब्याज जब लगता है तो पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे 1% ब्याज लगे पैसा बढ़ेगा, है ना। अब आप ही हैं, अगर पैसा जमा कराने गए हैं बैंक 1,000 रुपये, तो क्या आप बैंक वाले को ये पूछेंगे तो सही भाई जी ब्याज कितना दोगे? वो बोलेगा 2%, ज्यादा नहीं 2%, तो भी तो वो 100 से ऊपर ही दे रहा है। तो ये थोड़ी बोलेगा भाई जी मैं ब्याज नहीं दूंगा मैं काट के दूंगा, ऐसा थोड़ी कोई बोलेगा। बैंक वाला कभी भी ये थोड़ी बोलेगा कि भैया 100 मैं काट कर दूंगा, काटने कम तो देने का नाम ही नहीं लेगा। हर बार क्या बोलेगा है 2%, 3%, 5%, 12%, 15%, कई तो इतने लालची हो जाते हैं वो 50 और 100% और ढूंढ, यानी कि पैसा डबल हो गया, 100 हो गया तो डबल वैसा है ना जी। तो अब हम ये जानेंगे इस क्लास में, अब अगर हमारे पास SI निकालना हो तो कैसे कैसे इसके हम दो तीन मेथड। सबसे पहले आपको ये तो पता लगी मूलधन प्रिंसिपल किसे है, शुरू में पैसा जमा करवाया जाता है। तो हमने अपनी तरफ से लेट कर रहा हूँ कि मान लेते हैं कि प्रिंसिपल अगर हमारा 4 है, डेट हमारा 10 है, टाइम हमारा 3 साल है, तो ब्याज तो बच्चों ब्याज कितना होगा? ब्याज निकालने का मेथड नंबर 1 क्या है? मेथड नंबर 1 जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं वही लगाएंगे, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T ओवर 100। डायरेक्ट ठाक के वैल्यू डालो आएगा, पी की मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू 1,000, डेट की वैल्यू 10, टाइम की वैल्यू 3, ओवर 100, ओवर 100। आई होप कि आपको मेरी बात हो गया क्या? हो गया ब्याज 300 रुपया हो गया, और अब बैंक वालों ने फालतू पैसा कितना देना है 300, और टोटल पैसा कितना देंगे यानी कि अमाउंट कितना हो गया जी? तो मूलधन प्लस मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हो गया उसका 1,000 रुपया उसका अपना, और 300 बैंक वालों ने एक्स्ट्रा डालेंगे हाँ 1,300 रुपया, 1,300 रुपया। अब क्वेश्चन में किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं भाई जी ब्याज बताओ या कुल पैसा बताओ कि बैंक वाले।
अगर आप बोलोगे सर नहीं और कोई दूसरा मैथड दूसरा मैथड लगभग सिमिलर ही होता है, थोड़ा सा ऐसा ही मुझे क्या है 1000 रुपया था कार का, आपने 10% आ गया जी 100 रुपया। अब जितने समय के लिए दिया है साल के लिए है तो इसको गुणा 3 कर दो आंसर आज, और इसी प्रकार से अगर अमाउंट निकालना है अमाउंट हो प्रिंसिपल हो गया 1000 10 13 100 रुपया जो है क्या हो गया, और ये अपना क्या हो गया मिश्र धन हो गया। जब व्यक्ति 1000 रुपया 3% 3 साल के लिए 10% से जमा कर, बोले मेरे को तो ये तो समझ आ ही गया कोई चक्कर नहीं है सर, मगर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है, तो लोग बड़े भाई डरते हैं चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, करूँगा करने वाली बात है आपने फिर से फोकस करना है यही मूलधन अगर 1000 था 8 10 था टाइम कितना, टाइम कितना था टाइम था कि हम 3 साल के, अब ध्यान से सुनिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, जैसे चल पड़ते हैं थोड़ा सा ध्यान इसके भी करने के मेथड मेथड ऐसा पहले पिछले वाला किया आपको याद ना किस तरीके से मेथड मेथड आंसर बिल्कुल आग एक ही पर मेरी बातों पर ही रहना 1000 रुपया 10% बोला सर ये तो आप ऐसे पिछली बार भी ऐसे पढ़ाया था साधारण ब्याज तो सौ ही आया आपने 3 बार लिखा था फर्क तो बना ही नहीं बात, ये जो 100 आया ये पहले बार साधारण ब्याज का गुणा 3 हर साल का ब्याज सेम रहता है, कंपाउंड हर साल का ब्याज डिफर होता है क्यों, क्योंकि पहले साल का जो ब्याज होता है वो क्या होता है वो साल में जाने से पहले अपने में जमा होता है यानी आधार में वो मूलधन में वो जमा हो गया तो कितना हो गया बच्चा 1100। अब दूसरे साल का ब्याज तब निकल तो बोला है पहले साल का जो ब्याज आएगा वो उसके मूलधन में जमा होगा आफ्टर देन वो दूसरे ब्याज साल के ब्याज उसका भी 10% निकाल लिया देखो आ गया 10 रुपये। आप बोलोगे सर आपने कहा था दूसरे साल के लिए जाएगा तो है बेटा फिर से ये इसमें प्लस हो जाएगा फिर से इसमें प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा अब तीसरे साल के लिए जा रहा है क्योंकि हमें कितने सालों के लिए निकालना है 3 सालों के लिए निकालना है। दिमाग बहुत अच्छे से दिमाग यहाँ पर बिठाना क्योंकि देख चार से समझ आ रहा है कि आ रहा है अब 1100 हो गया तीसरे साल के लिए जाएगा तो दूसरे साल का ब्याज कितना आया 110 1100 में 110 और जमा कर देना जो बोलो 11 क्या के 12 1200 हो गए जी 1210 और 1210 का भी 10% हां हो गया 101 और कितने सालों के लिए निकालना है जी सालों के निकालना है प्लस करते चलो सेम प्रोसेस है मगर हमें 3 साल बोले आगे हम मेथड यानी कि उसी के स्टॉप कर फिर क्या करें फिर अब फिर इसके बाद इन सब को इसको इसको और इसको इसको किसको इसको इसको करूंगा कुछ नहीं करूंगा आ गया ये हमारा ब्याज आ गया
साल आ गया ब्याज, एक ब्याज। अब आप बोलोगे सर या आपने यानी कि 331 रुपए ब्याज निकाला तो अमाउंट कितना हुआ? तो बेटा सेम पे ही प्रोसेस, 1000 रुपया मेरा वो हो गया, 331 रुपए कौन सा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना बन गया 1300। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अब बताइए 1331 क्या है? डिफरेंस है, चीज का डिफरेंस है, साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देख सकते हो सेम प्रोसेस है, इसमें 300 रुपया आया आया मतलब ब्याज, और उसमें आ गया तो 32 यानी 300 रुपये का फर्क आ रहा है। तो मैथमेटिक्स में कुछ बात है, इसीलिए कहते हैं मेथड्स जो आप, मैं अभी जो आपको बता रहा ये मेथड था हमारा मेथड नंबर दो, सॉरी एक। अब मेथड नंबर है दो से कोशिश करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कर देता हूँ बच्चा। 1000 रुपया हमारा मूलधन है, रेट हमारा 10% है, टाइम हमारा 3 साल है, जिसके लिए हम निकालना है ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, निकालना है कंपाउंड। आग में डाल रहे, मगर अब मैं इस मेथड में जाने से पहले छोटा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आऊंगा, फिर देन आप क्या बेसिक कॉन्सेप्ट तरफ देखिएगा। ये जो मेथड नंबर टू ये डिपेंड करता है ईयर के, यानी ईयर जो है आप वो फ्रैक्शन में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी साल हो उनके, जैसे कि आपके पास बोला है 2 सालों के, तो आपने रेशो मेथड है 1:1 क्या बोला मैंने, 1:1 क्या बोला, 1:1। अगर अच्छा तीसरे साल के लिए जाना है तो पहले तो 3 10 क्या तो कितने हो गए, 2 में 1 प्लस करो और 3 1 के आगे कुछ है नहीं। 4 साल के लिए निकालना है तो पहले 4 लिख दो, 3 1 4 4 के आगे 5 साल के लिए निकालना हो तो पहले 5 लिख दो, 4 10 4 4 1 आगे कुछ 6 साल के लिए सर आप ऐसे बोलो 6 साल के लिए लो, पहले 6 ले लिया, फिर 10 5 हाँ, फिर 10 10 5 हाँ, आगे 5 1 बाद जितने भी साल हो बना बना, ठीक है। अभी के जो है हमारा 3 सालों वन ले लेना, क्या बोला कहाँ से आए थे ये भैया 3 साल के लिए है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ले रहा हूँ कहाँ से करना है, बहुत अच्छा प्यार से। अब आपने 1000 रुपया और उसका 10% क्या बोला, 1000 लिया और उसका 10% 1000 का 10%, अरे तो फिर से सेम सेम आ जा रहे हैं ना, नहीं पहले वाले और पहले साल में फर्क, साल से फर्क पड़ता। अब यहाँ पर आया 100, अब देखो पिछले वाले मेथड में 100 को फिर उससे प्लस करते थे 1100 हो जाता था, उसमें फिर क्या आ रहा था डिजिट बहुत बड़ा हो जा रहा है। यहाँ पर देखो 1100 फिर 1200 10 हुआ ना प्लस करके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो
कैलकुलेशन है वो लंबी होगी और टफ होगी। इसके केस में क्या करना है आप, शॉर्ट, जिससे कैलकुलेशन टफ जाए छोटी। अब आप 100 का तो 10% निकाल ही सकते, तो बहुत इजी रहेगा। बोला सर 100 से 100 क्या 10 ही आ गया, क्या बात कर रहे हैं आप। तो बेटा यही तो बात करना हो, 10 का ले सकते हो ना आप 10%। तो बिल्कुल सही, ये तो एक आ गया सर, ये तो बिल्कुल ही छोटी होगी कैलकुलेशन, पहले से कैलकुलेशन क्या हुई है छोटी होगी, छोटी हुई नहीं, यही है करने का तरीका है। अब आपने ये जो पहला ये तीसरा जो लिया, ये यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ बिल्कुल, ये जो 100 है ये यहाँ, ये जो 10 है, ये जो 1 है, और आपने सौ को 3 से क्या बोल इसको क्या तो आया। अब आपने अब हुआ 10 और तो ऐसे पहले निकाला। आई होप आपको अच्छे से आया होगा मेथड, आप अगेन एंड बहुत फिर हो, और साथ में आप देख वीडियो को हम आगे कैरी फॉरवर्ड, तब आपको ज्यादा अच्छी परफेक्शन कंपाउंड आई 3-3 12। अभी है पहले क्वेश्चन क्या दिया है, कुल धन 10,000 दिया, रेट हमारे पास 10, टाइम हमारे पास साल। अब फॉर्मूला क्या लगता है, ये है बुक टू बुक, जैसे बुक्स में हम बचपन से ट्रेडिशनल वो वाला, वो तो क्या है बाउंड इन अमाउंट माइनस अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी 1 प्लस 100 होल रेज टी मतलब टाइम आर। गाइस वैल्यू आप पुट कर दीजिए 4 रुपया, रेट आपका आ गया 10%, टाइम आ गया 3 साल। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा, कितना हो गया 10/100 ये 0 आ गया 1000, 11 × 11 × 11 क्या होगा 10 को 10 × 10 × 10 क्लियर है बच्चों, सबको क्लियर है तो आप गर्दन हिला कर इशारा कर आ सकते हैं आ रहा है। अब 11 का क्यूब क्या आ गया 1300, 11 का क्या हो गया 1300, यानी कि आपको याद तो आ ही गया होगा कि सर ने 1300 पहले भी बताया है, 1300 है अब समझ क्या चीज की अमाउंट का। अगर हम इस चाहिए कंपाउंड को तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो 31 में प्रिंसिपल जो है 1000 रुपया जो है माइनस दो जी फिर से आ गया तो क्या आ गया 331 रुपये ब्याज है। हमारे 3 मेथड आप इस्तेमाल कर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते। आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से क्लियर, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट क्लास के लिए, अच्छे से हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, जय हिंद जय भारत जय हिमाचल। Do 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 do